अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट आई प्रॉमिस हम इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ उसे पढ़ेंगे बॉलीवुड से कनेक्ट करते हुए कि आपको वो बिल्कुल ना बोरिंग लगेगा ना डिफिकल्ट लगेगा और बहुत स्कोरिंग हो जाएगा. आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. क्या मतलब होता है रेप्लिका? यहाँ आप देख सकते हैं, तो हॉलीवुड मूवी आई हुई है रेप्लिकाज. ये देखिए शाहरुख खान और उसका रेप्लिका यानी कार्बन कॉपी. यानी आज हम समझने वाले हैं कि वन डीएनए से अनादर डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है. क्योंकि आप सबको एक बेसिक आइडिया है, मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा चुकी हूँ कि पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनेंगे माइटोसिस में. और सपोज करो पेरेंट डॉटर सेल पेरेंट के पास में वन डीएनए मॉलिक्यूल है तो दोनों डॉटर के पास भी वन वन होना चाहिए. तो ये तो वैसे ही बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक कोई नोट्स का पेपर है और मैं उसे अपने दोनों स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं बीच में से फाड़ के थोड़ी ना दे सकती हूँ. मुझे उसकी जेरोक्स करानी पड़ेगी, मुझे उसकी टू कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि मैं वन वन कॉपी मेरे दोनों स्टूडेंट्स को दूँ. बस आज हमें यही समझना है कि वन डीएनए मॉलिक्यूल से उसकी कार्बन कॉपी, उसका रेप्लिका कैसे बनता है. तैयार हैं आप? चलिए आइए पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी. डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है वन पेरेंट डीएनए से अनादर न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन. कब होता है ये? आप सबको आइडिया है, हमने सेल साइकिल पढ़ी है. सेल साइकिल में G1, S, G2 और M फेज है. M फेज में एक्चुअली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. G1, S और G2 को इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज कहते हैं. उसी में हमने पढ़ा था कि जो S फेज है वहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होता है. तो ये तो है कि कब होता है, अब बात करते कहाँ होता है. बताइए कहाँ होगा? जहाँ डीएनए होगा. डीएनए कहाँ होगा? यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस के अंदर. और हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है. तो वहाँ पर भी डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए बनना. पर प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है. प्रोकैरियोट्स में तो जो कुछ है वो साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए है, वहीं उसका रेप्लिकेशन होगा. अब डीएनए रेप्लिकेशन में मेन हिंट किसने दिया? पता है आपको कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है? एक बेसिक्स बताती हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेरेंट डीएनए है, ठीक है सपोज, और इस पर ये कोई भी सीक्वेंस है, मान लो ATAT. तो हम जानते हैं कि अगर ये वन स्ट्रैंड है तो इसका जो सेकंड स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा. याद है आपको, अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और इसे हमने हॉलमार्क पढ़ा था डीएनए का. तो एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है? पहले ये जो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, मतलब ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे सारे. मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, कहीं आप में से कोई इसे गलत नोट ना कर ले. तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ऑफकोर्स. तो सबसे पहले जो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पर ये दोनों सेपरेट हो गए. कैसे हम सब पढ़ेंगे? तो एक ये है, एक ये है. ये 5-3 वाला है और ये 3-5 वाला है. ये दोनों अलग होते हैं. कैसे अलग होंगे? इनमें कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं बोथ स्ट्रैंड्स. तो दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. हम सब पढ़ेंगे कैसे. तो ये एक पेरेंट स्ट्रैंड बन गया ATAT और ये दूसरा वाला पेरेंट स्ट्रैंड है जिस पर है TATA. अब क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, इसीलिए साइंटिस्ट जानते हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंट है, अलग अलग हैं, पेरेंट डीएनए के हैं, तो इस पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इस पर भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा. ये 5-3 है तो ये वाला 3-5 बनेगा, ये 3-5 है तो ये वाला 5-3 बनेगा. और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण हम जानते हैं यहाँ ए है तो यहाँ टी आएगा, यहाँ टी तो ए, ए तो टी, टी तो ए. यहाँ भी हम जानते हैं टी तो ए, ए तो टी, टी तो ए, ए तो टी. तो एक्चुअली इस तरीके से बनता है जो न्यू डीएनए बनते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि ये क्यों बना? क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में, इसीलिए अगर हमें डीएनए के एक स्ट्रैंड पे सीक्वेंस पता है तो हम सेकंड स्ट्रैंड के सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. बस यही यहाँ पर लिखा है कि वाइल गिविंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए, वॉटसन एंड क्रिप गेव द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन.
क्योंकि उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बात की थी। उन्होंने बताया था कि अगर एक तरफ ए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा, तो यही बेसिस बना आगे डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडीज़ का। एनसीईआरटी की लाइंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पर हमें अंडरस्टैंड कर और फिर उसे लर्न करना है, राइट? नाउ यहाँ पर जो पेरेंट डीएनए है वो एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और उस पर न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसे हम पेरेंट स्ट्रैंड कहेंगे या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और इस पर फॉर्म होगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो ये एक कॉपी बन गई, एक कॉपी, देखो ये बिल्कुल पेरेंट की तरह ही तो है दोनों कॉपीज। अब एक्चुअली ये बहुत बाद में पता चला, पहले साइंटिस्ट को ये नहीं पता था। तो तीन तरीके से साइंटिस्ट मानते थे कि शायद रेप्लिकेशन होता होगा। आइए इसको अब हम समझते हैं, राइट? देखिए समझिएगा, फर्स्ट मेथड में साइंटिस्ट क्या मानते थे कि ये एक पेरेंट डीएनए है। अब मैं इसे हेलिकल ही बना देती हूँ, ये इसका 5' है तो ये 3' हो जाएगा, इधर ये 3' है तो 5' हो जाएगा। तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये जो पेरेंट डीएनए है ये तो ऐसा का ऐसा रहता है, सेम जैसा है, 5 to 3, 3 to 5, और इसकी जो बेसिस हैं उसे रीड करके और एक नया डीएनए बन जाता है जो बिल्कुल इसी की कॉपी होगा, ये साइंटिस्ट मानते थे। बट हालांकि अभी गलत प्रूफ हो चुका है, यानी जब नया डीएनए बनेगा तो ये तो पूरा न्यू बना है, टोटल न्यू, और ये पूरा पेरेंटल है, इसके दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंट्स वाले ही हैं, बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स कंजर्व्ड है एज इट इज़ हैं, स्ट्रैंड्स आर कंजर्व्ड, और जो सेकेंड कॉपी बनी है डीएनए की उसमें बोथ न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते थे, क्योंकि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स कंजर्व्ड हैं। इस मेथड को कहते थे कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हालांकि अब ये डिस्कार्डेड है। अब क्या माना जाता है, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया था, अब ये मानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये पेरेंट डीएनए है, सपोज 5' to 3' and 3' to 5', तो पहले दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, ये 5 to 3 था, ये 3 to 5 था, ये दोनों अलग हो गए। अब अलग होने के बाद में इनके ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनेगा जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लाइक दिस। कैसे होगा, आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो दो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, इनमें हर मॉलिक्यूल में पेरेंट का कितना स्ट्रैंड आया है, 1, और 1 न्यू बना है, यानी पेरेंट का स्ट्रैंड आया तो है पर पूरा नहीं आया, पूरा कंजर्व नहीं है, आधा ही आया है, 2 में से 2 में से एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है। कैसे, आज हम उसे समझने वाले हैं, 1958 में इंडिया की आज़ादी के 11 साल बाद, 11 लकी नंबर होता है ना, 11, 21, 51 ऐसे रुपीस देते हैं ना, तो 11 इंडिया के इंडिपेंडेंस के 11 ईयर्स बाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, बट एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड आया है, 1, और इस पर 1 न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है, और सेम ऐसा ही सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा है। यही एक्चुअली मोस्ट एक्सेप्टेड है, यही होता है रियल में। अब आप कहोगे मैम थर्ड और क्या बचा, ये तो आपने सब कुछ तो बता दिया, स्टूडेंट्स थर्ड में क्या होता है समझिएगा। हालांकि ये भी अब डिस्कार्डेड है। साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, सपोज राइट 5 to 3, 3 to 5, तो वो ये मानते थे कि जब न्यू डीएनए बनता है तो न्यू डीएनए में कुछ कुछ तो पेरेंट का रहता है, दोनों स्ट्रैंड्स, और बीच बीच में न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं, लाइक दिस, इस तरह से, ऐसा मानते थे। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि एक में दोनों पेरेंट और एक में दोनों न्यू है, ना हम ये कह सकते हैं कि दोनों में 1-1 पेरेंट और 1-1 न्यू है, ये कुछ बीच की सिचुएशन है, इसे डिस्पर्सिव कहते हैं। हालांकि ये भी अब डिस्कार्डेड है। तो हम जो पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को ही अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? नाउ यहां पर सेमी कंजर्वेटिव
डीएनए जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, ये क्वेश्चन आता है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आज हम पढ़ेंगे, कितने मज़े आने वाले हैं। 1958 में और ये दिया था मेसलसन स्टाल ने, कैसे याद रखोगे। मेसल का बेटा यानी मेसलसन, और उसने एक स्टॉल लगाया है एक फेयर में, एक मेले में, तो मेसलसन एंड स्टॉल ने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तैयार हैं आप समझने के लिए, आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो ये पेरेंट डीएनए है, पहले दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए, ये देखिएगा ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, मैं एक मिनट कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, पिंक से है ना पेरेंट, और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये दोनों सेपरेट हो गए। और अब इन पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री ये एक न्यू स्ट्रैंड बन गया, ये न्यू स्ट्रैंड बन गया, तो बिल्कुल पेरेंट की दो कॉपीज बन गई। इसमें वन पेरेंटल स्ट्रैंड वन न्यू स्ट्रैंड, इसमें भी वन पेरेंटल स्ट्रैंड वन न्यू स्ट्रैंड, यानी कि ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, वॉटसन एंड क्रिक ने इसे हेल्प किया था बताने में। अब आइए हम समझते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे दिया गया था 1958 में, रटा होना चाहिए 1958 में। नंबर वन, नंबर टू, मेसलसन एंड स्टॉल ने दिया था। अब इन्होंने मॉडल चूज किया था ईकोलाई, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो नाइट्रोजन के सॉल्यूशंस लिए थे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, एक में नाइट्रोजन 15 लिया और एक में नाइट्रोजन 14। अब आप कंफ्यूज मत होना, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ जहाँ हमने प्रूव किया था कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि दो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, एक हैवी एक लाइट, यानी एक में न्यूट्रॉन ज़्यादा है एक में न्यूट्रॉन्स कम है, मैं ये बात नहीं कर रही कि एक रेडियो एक्टिव है और एक नॉन रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना। तो एक हैवी आइसोटोप है एक लाइट है, हैवी मतलब N15, एक्चुअली इसको ऐसे लिखना चाहिए N15, और एक लाइट वाला जिसमें न्यूट्रॉन्स कम है हल्का है यानी N14। अब मान लो कि मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ और मैं इसमें दोनों सॉल्यूशंस को डाल दूँ, दोनों आइसोटोप्स को, और मैं सेंट्रीफ्यूज कर दूँ, सेंट्रीफ्यूज। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बहुत तेज़ी से घुमाएंगे इसे, तो हम जानते हैं कि हैवी वाली चीज़ नीचे सेटल होती है, तो इनमें से कौन सा नीचे बैंड बनाएगा बताओ, ऑफकोर्स जो N15 वाला सॉल्यूशन होगा NH4Cl का, और ऊपर कौन सा बैंड बनेगा जो लाइटर होगा यानी N14 का। इतना बेसिक्स क्लियर है, ये हैवी वाली चीज़ नीचे मिलेगी और लाइटर वाला ऊपर बैंड बनाएगा, कैसे होगा अभी सब समझ में आएगा। तो उन्होंने भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया था डेंसिटी यानी वेट, डेंसिटी घनत्व के आधार पर, और उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सीजियम क्लोराइड को यूज़ किया था। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया था, और डेंसिटी के बेसिस पे इन्हें टू बैंड्स मिलेंगे। अभी कैसे होगा आइए हम इसको समझते हैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ई कोलाई लिए और इस ई कोलाई को N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में डाल दिया। अब आप हर जगह ना इसको N15 को ऐसे लिख लेना, ठीक है, या तो ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते। तो क्या होगा, ये ईकोलाई, इमेजिन करो एक सॉल्यूशन है उसमें ये ईकोलाई डाल दिए, अब ये ईकोलाई जब अपना डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे, क्योंकि इन्हें डिवाइड होना है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, आप जानते हो बाइनरी फिजन होगा, तो इन्हें अपने डीएनए की भी कॉपी बनानी है। जब इन्हें डीएनए की कॉपी बनानी है तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स बनानी पड़ेंगी, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए इन्हें नाइट्रोजन बेसिस बनानी पड़ेंगी, यानी इन्हें नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, कल्चर मीडिया से, जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, तो कौन सी वाली नाइट्रोजन पिक करेंगे, ये N15 वाली। तो इनमें इनके डीएनए में जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी उसमें जो भी एडेनाइन ग्वेनाइन साइटोसिन थाइमिन होगी, उन सब में कौन सी वाली नाइट्रोजन होगी, पढ़ा है ना, फर्स्ट थर्ड पोजीशन, फर्स्ट थर्ड सेवन्थ नाइन्थ पोजीशन, जो भी नाइट्रोजन है वो N15 होगी। तो ये तब तक उसे कल्चर करते गए, उन्हें डिवाइड कराते गए, जब तक सारे ईकोलाई में N15 वाली नाइट्रोजन बेसिस ना आ गई हो डीएनए के अंदर, पूरे सारे ईकोलाई के पूरे डीएनए में N15 वाली नाइट्रोजन बेसिस हो गई। इतना समझ आया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने उस ईकोलाई को, ये वाले N15 वालों को ट्रांसफर कर दिया N14 वाले सॉल्यूशन में, N15 वालों को ट्रांसफर कर दिया N14 वाले सॉल्यूशन में। अब समझो कहानी क्या बनेगी, बहुत मज़ेदार है, समझिएगा। जैसे सपोज करो कि ये
अब मैं सीधा बना रही हूँ, मैं उसको स्पाइरल नहीं बना रही हूँ कन्वीनियंस के लिए डीएनए को। ये सपोज 5'3' है, ये 5'3' है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए टी सी जी ए टी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं ए टी सी जी ए टी ऐसा होगा। ये वो इकोलाई हैं जिनमें सारी की सारी ये जो बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये N15 वाली है, N15 वाली, ठीक है। अब आज हम जानते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, पर उस समय नहीं जानते थे। चलो अपन मान लेते हैं सेमी कंजर्वेटिव है, तो क्या हुआ होगा, ये पेरेंट स्ट्रैंड अलग हो गया और ये पेरेंट स्ट्रैंड अलग हो गया, यही हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे होंगे। तो यहाँ पर ए टी सी जी ए टी, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, और यहाँ पर ये स्ट्रैंड यानि टी ए जी सी टी ए अलग हो गया, ठीक है। अब अगर सेमी कंजर्वेटिव मेथड सही है तो इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा और इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ये 3 to 5 है तो ये 5 to 3 बनेगा, ये 5 to 3 है तो ये 3 to 5 बनेगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, यानी टी ए जी सी टी ए, और यहाँ बनेगा ए टी सी जी ए टी, ये दो बन गए। अब समझो ये वाले जो इकोलाई थे, ये जो डीएनए था सारा, ये एन 15 था, लेकिन अब जब हमने इसे ट्रांसफ़र किया तो उस कल्चर मीडिया में एन 14 वाला अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि एन 15 इनमें तो मिलेगा, ये बेसिस तो अभी भी वही है, एन 15 पेरेंट वाली तो है ये एन 15, लेकिन जब नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होगा तो उसमें जो बेसिस बनेंगी यानी न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी, उनमें कौन सा नाइट्रोजन आएगा, एन 14 वाला, क्योंकि कल्चर में वही है, तो एंजाइम्स इसी N14 को पिक करेंगे, इससे नाइट्रोजन बेसिस बनाएंगे, वही वाली न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, यानी ये वाले जो स्ट्रैंड्स बने हैं न्यू, इनमें क्या मिलेगा, N14 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब मान लो कि यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करें, ये टेस्ट ट्यूब लिया, सीजियम क्लोराइड डाला और इस डीएनए को इसमें डाला और बहुत तेज घुमाया, तो ये डीएनए तो सारा का सारा N15 है, और अगर ये N15 है तो इसका बैंड मुझे बताओ कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ की ऊपर, नीचे, क्योंकि ये हैवी है, तो सपोज़ करो ये बैंड मिला पूरा N15, जो हैवी बैंड है, हैवी बैंड ऐसा मिलेगा। अब अगर हम इसे कल्चर करें, ये जो डीएनए, हमें नहीं पता ये कैसे बना है, हम तो अभी मान रहे हैं, अगर इसे कल्चर करें तो क्या मिलेगा, देखो 2 तो N15 के स्ट्रैंड्स हैं और 2 हैं जिनमें N14 है, N15 हैवी है, N14 थोड़ा लाइट है, तो जो N14 के बैंड्स हैं वो हमें मिलेंगे ऊपर की तरफ, यानी ये लाइट बैंड्स हैं, लाइट बैंड्स N14 वाले, और N15 वाले जो हैवी बैंड्स हैं वो हमें नीचे मिलेंगे N15 वाले, यानी एक्चुअली हमें 2 हैवी और 2 लाइट मिल रहे हैं, या ये कह लो 1:1 का रेशियो मिल रहा है, यानी कि इस सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें लाइट बैंड भी मिलेगा, डार्क बैंड भी मिलेगा। इतना समझ में आया। अब उन्होंने इसे कंटिन्यू किया, इसे वही सेम N14 के सॉल्यूशन में ही रहने दिया, तो अब क्या हुआ होगा, ये देखो ये 2 डीएनए बन गए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, अब फिर से ये दोनों भी पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग होंगे, ये दोनों भी अलग होंगे, तो ये अलग हुआ येल्लो, ये वाला भी येल्लो अलग हो गया, और ये दोनों वाइट्स भी अलग हो गए। अब ये सब पेरेंट की तरह काम करेंगे सारे, ठीक है। अब मैं 5-3 नहीं लिख रही हूँ, तो इस पे क्या था, वाइट वाले पहले लिख देती हूँ मैं, चलो ए टी सी, सॉरी वन सेकेंड ना, ये वाले पे था ए टी सी जी ए टी, और इस वाले पे था, हम उसी ऑर्डर में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे था टी ए जी सी टी ए। अब ये सब पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, चारों पेरेंट स्ट्रैंड्स की तरह काम कर रहे हैं और सब अलग अलग हो जाएंगे। चलो येल्लो में क्या था, इसमें था ए टी सी जी ए टी, और यहाँ पे था टी ए जी सी टी ए। अब इन पर बनेंगे न्यू स्ट्रैंड्स चारों पे, ये दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए,
अब इन पर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, इन पे न्यू स्ट्रैंड बनेगा। और न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा बताओ, N14 की N15 ये कैसा है, ये तो अभी भी वही है N15, ये भी कैसा है वही N15, ये कैसा है N14, ये भी कैसा है N14। अब जो इन पे नया स्ट्रैंड बनेगा चारों पे, मुझे बताओ N14 बनेगा कि N15, भाई वही आपने अभी तक N14 में ही डाला हुआ है, तो N14 वाली बेसिस बनेंगी, N14 वाला ही न्यूक्लियोटाइड बनेगा, N14 वाला ही स्ट्रैंड बनेगा। तो इस पे भी N14 बना, इस पे भी N14 बना, इस पे भी N14 बना, इस पे भी N14 बना। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, ऑफकोर्स सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा बेस पेयरिंग। यानी अब अगर हम इसका कल्चर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 तो मिलेंगे हैवी, वही जो शुरू से चले आ रहे हैं पेरेंट, 2 तो हमें हैवी मिलेंगे, ये हैवी मिल गए N15 वाले। और हमें लाइट बैंड्स कितने मिल रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये हमें लाइट मिलेंगे 6 लाइट। और ये उन्हें मिला, ऐसे ही रिजल्ट्स मिल रहे थे। फिर जब इसको करेंगे तो क्या होगा, फिर अगर हम इसे सेम वही N14 के सॉल्यूशन में पड़ा रहने देंगे तो क्या होगा, फिर से ये सारे के सारे, ये एक डीएनए है, ये एक और है, ये एक और है, ये एक और है, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, 1 था 1 से 2, 2 से 4, अब 4 से 8 बनाने हैं, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे फिर से। और इन सब पे नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, वो सब कैसे होंगे N14, सारे कैसे होंगे N14। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी देखिएगा, अब यहाँ पर हमें 8 मिलेंगे, 8, उन 8 में से ध्यान से सुनना, ये वाला जो है इस पे तो N14 14, दोनों 14 14 आएंगे, इस पे भी 14 14 14 14 14 14 14 14, यानी 6 जो हैं इन 8 में से 6 जो हैं वो हमें लाइट मिलेंगे, लाइट मतलब N14 N14 मिलेंगे। अब एक बात समझो, एक चीज जो मैंने जान करके गलत बोली, ताकि अब मैं आपको करेक्ट कराऊं और आपको क्लियर हो, समझना, ये तो हैवी है, इसे क्या कहोगे, मैंने क्या किया, मैंने 2 हैवी 2 लाइट लिखे, क्या मैंने सही लिखा, मैंने गलत लिखा, क्यों लिखा गलत, आइए समझते हैं मैंने यहाँ क्या गलत किया। अब हटाती हूँ ताकि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, समझना, इसे भी हटाती हूँ, समझो, समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक डीएनए है और ये एक डीएनए है, ये डीएनए में अगर दोनों N15 होते इसकी तरह तो हम इसे हैवी डीएनए बोलते, हैवी, और ये नीचे सेटल होता। अगर ये दोनों ऐसे होते N14, दोनों लाइट बैंड्स, तो हम इसे लाइट डीएनए बोलते, पर इसमें 1 N15 है और 1 N14 है, यानी ये ना तो पूरा नीचे मिलेगा बैंड, ना पूरा ऊपर, ये बीच में कहीं पर मिलेगा, इसे कहते हैं हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड। कितने हाइब्रिड्स बने हैं, 2 हाइब्रिड्स बने हैं, 2 हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। अब डिफरेंस समझ में आया आपको, लाइट कब कहोगे जब N14 N14 है, हैवी कब कहोगे जब N15 N15 है, और हाइब्रिड कब कहोगे जब एक N14 स्ट्रैंड है और एक N15, यहाँ पे दोनों में ही क्या है, एक एक N14 और एक एक N15 है, ये सिचुएशन है। अब मुझे बताओ यहाँ मैंने करेक्ट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, बताइए। देखो 6 तो मैंने लाइट सही लिखे हैं, क्योंकि इन 6 में 6 सही लिखा है क्या, सोचो फिर सोचो। देखो ये डीएनए पूरी तरह लाइट है, ये पूरी तरह लाइट है, यानी एक्चुअली मुझे 2 लाइट मिले हैं, आ रहा है समझ में, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। ये 2 तो पूरे लाइट हैं, जिसमें N14 N14 के हैं दोनों, और ये कैसा है, ये हाइब्रिड है, इसमें एक N14 है एक N15, इसमें भी एक N14 एक N15, यानी कि ये हैवी नहीं है, ये अब मैं लिखती हूँ ये एक्चुअली हाइब्रिड हैं। तो मुझे हाइब्रिड कितने मिले हैं, 2, यानी यहाँ पर भी मुझे 1 2 बैंड्स हाइब्रिड मिले हैं, बीच में मिलेंगे, और 2 मुझे लाइट मिलेंगे, टोटल 4 ही तो डीएनए बने हैं, तो 4 में से ये वाला हाइब्रिड है और ये वाला हाइब्रिड है और ये वाले दोनों लाइट है। अब आया समझ, N15 N15 को हैवी कहते हैं, N14 N14 को लाइट कहेंगे, और N14 एंड N15 को हाइब्रिड कहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हैवी था, यानी दोनों स्ट्रैंड्स N15 N15 थे, पर जब हमने इसे N14 वाले मीडियम में डाला
तो N15 सेपरेट हो गए और उन पर N14 बने, यानी दोनों हाइब्रिड्स बन गए। और जब ये सेपरेट हुए तो 2 तो N15 है अभी भी, 2 N14 है, तो 14 पर 14 बने, यानी 2 तो लाइट बने, पर 15 पर 14 बने, यानी 2 हाइब्रिड्स बने। और फिर जब हमने इसे N14 पे डाला तो अब क्या होगा, ये 8 सारे अलग अलग हो जाएंगे। और इनमें से देखो इस पे भी 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14, यानी 6 तो लाइट बनेंगे 14 14। और 2 जो है इस पर भी 14 बनेगा, इस पे भी 14 बनेगा, यानी 2 हाइब्रिड्स बनेंगे, हाइब्रिड यानी N15 N14। यानी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लाइट बैंड्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि N14 है, तो जो नए नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो N14 वाले बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी हाइब्रिड भी नहीं था, लाइट भी नहीं था, या हाइब्रिड बना लाइट नहीं बना, लेकिन अब देखो 2 लाइट या 6 लाइट। और हैवी तो सिर्फ यहाँ है, दोबारा हैवी तो बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, भी सॉल्व कराती हूँ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैम ये कंजर्वेटिव क्यों नहीं, और अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, आओ समझते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, तो ध्यान से समझना, पेरेंट स्ट्रैंड तो ऐसा का ऐसा रहता, अपन ने यही तो पढ़ा है, ये तो ऐसा का ऐसा रहता, यानी N15 N15। और क्योंकि हमने इसे N14 के मीडियम में डाला है तो जो नया वाला बनता वो पूरा का पूरा N14 N14 बनता। यानी अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव मेथड होता तो इस स्टेप में हमें 1 हैवी मिलता और 1 लाइट मिलता। और मिला क्या था मिसेलसन एंड स्टाल को, ये नहीं मिला था। तो ये प्रूफ करता है, अगर सपोज इसको हम और आगे बढ़ाएं तो क्या होता, ये दोनों पेरेंट ऐसा का ऐसा रहता, राइट, मैं येलो से ही बनाती हूँ, तो ये पेरेंट ऐसा का ऐसा रहता, यानी N15 N15, और इस पर 2 नए बन जाते ये वाले N14 N14। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो पेरेंट भी वही है N14 N14, और नया भी वही बनता N14 N14, वो भी यही बनता। तो कायदे से मिसेलसन एंड स्टाल को तो जब 4 DNA बने तो ये कंडीशन मिली थी, 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। अगर कंजर्वेटिव मेथड होता तो उन्हें 1 हैवी मिलता और 3 लाइट मिलते, पर उन्हें मिला क्या, 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। तो ये प्रूव करता है कि जो मेथड है वो ये नहीं है, दिस इज नॉट द मेथड। इज इट वेरी क्लियर? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि जो DNA का रेप्लिकेशन है, यानी जो DNA से DNA कॉपी बनती है, वो सेमी कंजर्वेटिव है, उसमें 1 स्ट्रैंड पेरेंट का रहता है और 1 स्ट्रैंड जो है वो न्यू बनता है, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसा वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था। इज इट वेरी क्लियर? अब आइए हम इसका NCERT का डायग्राम देखते हैं। अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। ये देखो, ये पहला DNA है N15 वाला, इन्होंने ऐसे बना दिया N15, ठीक है। इसे जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेज किया तो N15 N15 यानी हैवी मिला उन्हें, हमने भी तो यही लिखा है, देखो हैवी N15 N15। अब उन्होंने इसको डाला N14 मीडिया में, N14 कल्चर मीडिया में। ई कोलाई को डबल होने में, रेप्लिकेट होने में, डिवाइड होने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो 20 मिनट्स के बाद 1 DNA से 2 DNA बने। ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट हुए, यानी दोनों पे N15 N15 था, यहाँ भी ये रेड वाला, और जो नए स्ट्रैंड्स बने वो बने N14 वाले N14, यानी ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है। तो उन्हें जो बैंड मिला वो हाइब्रिड वाला बैंड मिला। ये देखिए, हमने भी तो यही लिखा है, दोनों हाइब्रिड थे। नाउ ये देखो, ये बिल्कुल नीचे बनाया है, यहाँ से उन्होंने ट्यूब शुरू किया है, हमने ट्यूब यहाँ से शुरू किया था, एक ही बात है, ये हैवी है तो सबसे नीचे बना है बैंड, ये बीच में बना है बैंड, आप देख सकते हैं हाइब्रिड है। नाउ नेक्स्ट उन्होंने जब इसे किया तो फिर अगेन 20 मिनट्स बाद 2 तो पेरेंट थे रेड वाले, ये आप देख सकते हो, ये पेरेंट वाला है N15, और बाकी जो थे वो सारे N14 बने, इन पर भी N14 और अलग से भी सारे N14, यानी 2 तो मिले उन्हें हाइब्रिड्स, ये N15 N14, ये 2 मिले, और लाइट उन्हें मिले कितने बचे हुए 2 N14 N14।
इसीलिए देखो बैंड जो है एक बीच में है हाइब्रिड और ये ऊपर हो गया और लाइटर बैंड हो गया, यही तो हमने भी बनाया है, टू हाइब्रिड और टू लाइट। तो आप कंफ्यूज मत होना, हैवी बैंड सबसे नीचे बनेगा, हाइब्रिड एक्चुअली थोड़ा बीच में बनेगा और लाइट बैंड और ऊपर की तरफ बनेगा। यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट विद लेबलिंग आना चाहिए। इज इट ऑल वेरी क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट नहीं है? नाउ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स, ये तो ई कोलाई में किया गया और ई कोलाई आप जानते हो एक प्रोकैरियोट है, इसी तरह के सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स यूकैरियोट्स में किए गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हैं टेलर एंड एटाल, एटाल का मतलब होता है उनकी टीम, उनके कलीग्स ने सेम एक्सपेरिमेंट्स उसी साल किए बट एक एंजियोस्पर्म प्लांट पे यानी यूकैरियोट में, दैट इज विसिया फाबा, एक तरह की फली है। तो ध्यान रखना, अगर पर्टिकुलरली पूछें कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यूकैरियोट्स में किसने दिया तो ये आंसर होगा। प्रोकैरियोट्स पूछेंगे तो मेसेलसन एंड स्टाल होगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर मेसेलसन एंड स्टाल होगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। विंस, ये पूरा नाम आना चाहिए एनसीईआरटी की, एज इट इज लाइंस है एज इट इज। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, देखो आप जानते हो कि अगर डीएनए बनना है तो डीएनए में शुगर भी बनेगी, बेसिस भी बनेंगी, फॉस्फेट्स भी बनेंगी, उन सब में हाइड्रोजन होती है। तो इन्होंने वो नाइट्रोजन नहीं ली हैवी और लाइट वाली, इन्होंने हाइड्रोजन ली। नॉर्मली हाइड्रोजन H1 होती है, H1 जो रेडियो एक्टिव नहीं होती, इन्होंने उसकी जगह H3 हाइड्रोजन ली जो रेडियो एक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, अब आप पता कर सकते हो, पहले नॉर्मल डीएनए था नॉन रेडियो एक्टिव वाला, और फिर जैसे जैसे आप उसे H3 के मीडियम में डाल दोगे तो अब जो डीएनए बनेगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो ऐसे करके उन्होंने पता किया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, उन्होंने क्या यूज़ की थी, H3 यानी ट्राइएटेड थाइमिडीन, क्योंकि इन सब में थाइमिडीन बनेगी, थाइमिडीन मतलब थाइमीन प्लस शुगर, तो उसमें जो भी H है वो सारे H3 होंगे, ना कि H1 यानी रेडियो एक्टिव यानी वो चमकेगा। इस तरह से पता किया था, ट्राइएटेड मीन्स H3, तीन H3 नॉट H1। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? सो इससे भी यही प्रूफ हुआ था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है यूकैरियोट्स में। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व कि क्वेश्चंस इस पर कैसे आते हैं। आइए हम दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं, इसी बेस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक डीएनए सैंपल है जिसमें N15 है दोनों स्ट्रैंड्स में, और उसे हमने ट्रांसफर करा N14 वाले में, ठीक है, N14 में, और तीन जनरेशन्स तक यानी हर 20 मिनट्स दिया हुआ है, इसमें डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो थ्री जनरेशन्स यानी फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद फिर 20 मिनट्स फिर 20 मिनट्स, ऐसे जनरेशन होगा। हमें बताना है कि 60 मिनट्स के बाद में ये सब कुछ कितना होगा। चलो अपन देखते हैं, पहले अपन इसे खुद बनाते हैं। सो सिचुएशन क्या है कि अभी जो डीएनए है वो N15 है, ठीक है, ये पेरेंट में है, पेरेंट में। अब हमने इसे डाल दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग NH4Cl14 वाले सॉल्यूशन में। 20 मिनट्स के बाद में फर्स्ट जनरेशन बनेगी, पहला डिवीजन होगा। क्या हुआ होगा, ये दोनों N15 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे हम जानते हैं, और इन पर अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा बताओ कैसा बनेगा, N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम में N14 ही है। तो ऐसी कुछ कंडीशन बनी होगी। हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे फिर 20 मिनट्स के लिए इसी सेम N14 वाले सॉल्यूशन में ही रहने दिया है, तो एक बार फिर रेप्लिकेशन होगा। अब क्या होगा, ये N14 अलग हो गया, ये भी N14 अलग हो गया, और ये N15 अलग हो गया, ये N15 अलग हो गया, सारे पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहे हैं, तो ये सब सेपरेट हो गए। अब इन सब के ऊपर नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, बताओ कौन से वाले बनेंगे, बिल्कुल N14 वाले ही बनेंगे, क्योंकि मीडियम में N14 ही है, N14। अब नेक्स्ट, अभी भी कहानी नहीं रुकी क्योंकि हमें 60 मिनट्स बाद पता करना है, यानी अनदर 20 मिनट्स, यहाँ मैं बात करूँ तो टोटल 40 हो गए हैं, यहाँ टोटल 60 मिनट्स के बाद क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, जब थर्ड टाइम डिवीजन होगा ये सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी N14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 N14 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 N14 अलग हो गए, और 2 N15 भी अलग हो गए। पहले मैं N14 लिख देती हूँ,
ऐसे ही बना के देखना है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और दो N15 वाले भी अलग हो गए, N15 और एक हम यहाँ लिख देते हैं N15। अब इनके ऊपर बनेंगे नए स्ट्रैंड्स, तो बताइए वो कौन से होंगे। मीडियम अभी भी हमने क्या रखा है, वही N14 वाला, यही दिया है क्वेश्चन में, तो इन सब पर बनेंगे अब N14, सब पे ये बन गए ऑन ऑल। और ये सब कैसे हैं, ऑफ कोर्स N14 है, हम जानते हैं ये सारे N14 है। एक बार लिख देती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कभी आगे भी। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 60 मिनट्स के बाद में टोटल DNA कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट डिवीजन के बाद 1 से 2 बने थे, सेकंड डिवीजन के बाद 4 बनते हैं, थर्ड के बाद 8 बनते हैं, तो टोटल DNA कितने बने, 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा है DNA मॉलिक्यूल्स विद N15 इन बोथ स्ट्रैंड्स, N15 इन बोथ स्ट्रैंड्स कितना है, 0, तो टोटल बने 8, पर N15 दोनों में किस में है, एक में भी नहीं, 0 में है। अच्छा, N14 इन बोथ स्ट्रैंड्स, देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स में दोनों स्ट्रैंड्स में N14 है। नाउ N15 इन एटलीस्ट वन स्ट्रैंड, कम से कम एक में, इसमें है N15 और इसमें है N15, यानी टू स्ट्रैंड्स में वन स्ट्रैंड N15 का है। N14 इन एटलीस्ट वन स्ट्रैंड, देखो इसमें भी तो है N14, इसमें भी है, इसमें भी, एक्चुअली सारे के सारे 8 के 8 में कम से कम एक स्ट्रैंड तो है N14 का। सो दिस वुड बी द आंसर 80628, ये देख लो 80628। हो गया क्लियर, आ गए मज़े आ गए। चलो अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक DNA है जिसके N15 है दोनों स्ट्रैंड्स में, उसे रेप्लिकेट किया N14 में सिर्फ एक जनरेशन के लिए, फिर उसे वापस ट्रांसफ़र कर दिया N15 में, फिर वहाँ रेप्लिकेट किया एक जनरेशन के लिए, फिर वापस डाल दिया N14 में, और यहाँ पर भी जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स ही है, तो 60 मिनट्स के बाद में ये सब कितना होगा। करें सॉल्व, आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं, चलो देखते हैं। सो हम कहानी वही शुरू करते हैं, ये पेरेंट है, N15 बोला है, इसे उन्होंने ट्रांसफ़र किया N14 मीडियम में, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ अब, 20 मिनट्स के बाद, यानी कि फर्स्ट टाइम जब डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो N15 दोनों अलग हो गए, और अब इन पर बताओ मुझे क्या बनेगा, बोलिए बोलिए, वही बोलना है आपको, N14 बनेंगे, यानी टू हाइब्रिड्स बन रहे हैं एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था, पर हमने इसे N14 में ही रहने दिया था, पर अब ये कह रहे हैं कि इसे N15 में ट्रांसफ़र कर दिया फिर से इन दोनों DNA को, तो अगेन 20 मिनट्स यानी 40 मिनट्स के बाद में क्या सिचुएशन बनेगी। अभी भी ये दोनों जो N14 हैं ये अलग हो गए, ये पेरेंट्स की तरह बिहेव करेंगे, और जो N15 हैं वो भी अलग हो गए, ये N15 और ये भी N15, ये सब अलग हो गए। अब मुझे बताओ कि जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखो यहाँ क्या हुआ था कि जो न्यू स्ट्रैंड था वो N14 बना था, क्योंकि मीडियम में N14 थी, पर अब हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे वो N15 वाले बनेंगे। इस पर भी N15, इस पे भी N15, इस पे भी N15 और इस पे भी N15, तो कहानी चेंज हो गई। देखो यहाँ पर हमें टू हैवी मिल रहे हैं और टू हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, टू हैवी और टू हाइब्रिड्स, जबकि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर हमें चारों की चारों हाइब्रिड्स मिले थे सेकंड डिवीजन के बाद, सेकंड रेप्लिकेशन के बाद, 40 मिनट्स के बाद, या ऑल सॉरी चारों हाइब्रिड्स नहीं थे, ये हाइब्रिड थे और टू लाइट थे, यहाँ पे हमें टू हाइब्रिड्स और टू लाइट मिले थे आफ्टर 40 मिनट्स। बट क्योंकि कल्चर मीडिया में चेंज हो गया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टू हैवी और टू हाइब्रिड्स मिल रहे हैं, हाइब्रिड्स, वहाँ पर हमें टू हाइब्रिड एंड टू लाइट मिले थे, यहाँ हमें टू हाइब्रिड एंड टू हैवी मिल रहे हैं। लेकिन एनीवेज ये हमसे नहीं पूछा, हमारा क्वेश्चन थर्ड के बाद है, तो एक और रेप्लिकेशन होने दिया यानी 60 मिनट्स के बाद, और अब इसे हमने N15 से वापस N14 में ट्रांसफ़र कर दिया,
तो अब सिचुएशन क्या होगी, पहले ये सारे पेरेंट्स अलग अलग होंगे, तो ये एन 15 एक अलग हो गया, इसका दूसरा एन 15 भी अलग हो गया, इधर से एन 15 अलग हुआ, अभी मैं एन 14 एक साथ बना दूंगी, एन 15 अलग हुआ, ये भी एन 15 अलग हुआ, ये भी एन 15 अलग हुआ, ठीक है। अब एन 14 भी अलग हो चुके हैं, तो एक ये एन 14 है और एक इधर एन 14 है, ये सब अलग अलग हो गए, ऊपर नीचे लिख सकते, सब अलग अलग हो गए। अब इन पे बताओ नया स्ट्रैंड कैसा बनेगा, एन 14 वाला, तो इस पे भी बना एन 14, इस पर भी बना एन 14, इस पे भी बना एन 14, इस पे भी बना एन 14, इस पे भी बनेगा, सब पे एन 14 बनेगा, क्योंकि मीडियम जो है वही एन 14 वाला है। आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले कितने टोटल डीएनए हैं, वही क्वेश्चन है, देखो डीएनए कितने बने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेचुरली थर्ड रेप्लिकेशन के बाद 8 ही बनते हैं, तो ये आंसर तो सेम आया। सेकेंड क्वेश्चन था कि एन 15 दोनों स्ट्रैंड्स में कितने में है, एन 15 एक में भी नहीं है, 0, ये भी सेम है, वहाँ भी नहीं था। अब एन 14 दोनों स्ट्रैंड्स में कितने में है, एन 14 1, 2, 2 में है, पर वहाँ आंसर क्या था, वहाँ 6 में था, ये देखो 6 में था, और यहाँ वो सिर्फ कितने में रह गया, 2 में रह गया, बदल गया आंसर। अब देखो एन 15 कम से कम एक में कितने में है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, वहाँ पे सिर्फ 2 में था, ये देखो 2 में था। नाउ एन 14 कम से कम कितने में है, एन 14 1, 2, 3, 4 सब में है, कम से कम एक एन 14 सब में है, तो ये दोनों आंसर्स हमारे चेंज हो गए, एन 14 इन बोथ स्ट्रैंड एंड एन 15 इन एटलीस्ट वन स्ट्रैंड, ये आंसर्स हमारे चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि हमने कल्चर मीडिया चेंज कर दिया। इज इट क्लियर, चेक कर लेते हैं, 80268, 80268 हो गया, आया समझ, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को कंप्लीट किया, उसे समझा। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता कैसे, बहुत मज़ेदार है, हम इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स हम इसकी पूरी मशीनरी, पूरे एंजाइम्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसमें ढेर सारे एंजाइम्स लगेंगे, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक के साथ उन एंजाइम्स के नाम भी बताऊंगी। सो ये एंजाइम मीडिएटेड है और इसमें बहुत सारी एटीपी लगेगी। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, मनी 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 मनी, यानी ये बहुत एनर्जेटिकली रिच प्रोसेस है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है, सेल की बहुत सारी एटीपी एनर्जी यूज़ हो जाती है डीएनए की कॉपी बनाने में, और यही कारण है स्टूडेंट्स कि पूरा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट नहीं होता। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक डीएनए है ऐसे लंबा सा, तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ ही दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए पूरी तरह और दोनों पे इनका न्यू स्ट्रैंड बन जाए, ऐसा नहीं होता, ये पार्ट्स में होता है। सपोज अभी इतना पार्ट अलग हुआ, ये यहाँ जुड़ा हुआ है इस तरह से, देखिए यहाँ भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना पार्ट जो है इस पे न्यू स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, जैसे इस पर ये बन गया और इस पे ये बन गया, फिर थोड़े पार्ट का होगा, फिर थोड़े पार्ट का होगा, ये एनसीईआरटी की लाइंस है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो पार्ट्स में होता है, और ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए भाई। वैसे ही बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई 5 लाख का कुछ खरीदना है, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि हर महीने 50,000 जो है उसको इकट्ठा करते रहो, जमा करते रहो, बस ये वैसे ही बात है। सो इट अकर्स इन पार्ट्स, वाई, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो सारे क्वेश्चंस हैं, एंजाइम्स लगेंगे इसमें, एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और पार्ट्स में होता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। नाउ हाउ डज इट हैपन, डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। डीएनए स्ट्रैंड बनाना है मतलब डीएनए क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है, यानी हमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। तो कौन सा एंजाइम लगेगा, आपको पॉलीमर बनाना है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीमर बनाना है ना, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, पॉलीमरेज। और डीएनए का चेन बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए जो नया बनेगा, जैसे सपोज ये पुराना वाला डीएनए है, ठीक है, इस पर हमें न्यू बनाना है,
वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री तो लगाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो बेसिस लगेंगी, न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगी, वो किस पे डिपेंडेंट है? इस पे ही तो डिपेंडेंट है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बनाएगा, ये कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का पॉलीमर बनना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बननी है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। पर ये डीएनए पॉलीमरेज कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे अब कौन सी न्यूक्लियोटाइड लगानी है? ये इस पेरेंट स्ट्रैंड पर डिपेंडेंट है, इस पेरेंट पर डिपेंडेंट है ये। तो इसे क्या कहेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो चेन तो बनाएगा पर पेरेंट डीएनए पर डिपेंडेंट है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ही लगाएगा। तो पेरेंट डीएनए डिपेंडेंट है ये। इतना समझ में आया? तो इसका नाम रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब कोई पूछे, बताओ भाई डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम लगेगा? मेन, और भी लगेंगे बट मेन कौन सा होगा? आप कह देना कि डीएनए बनाना है ना, तो डीएनए की पॉलीमर बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा। और वो किसके बेसिस पे लगाएगा, किसके कॉम्प्लीमेंट्री लगाएगा? पेरेंट डीएनए के। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। कैसा एंजाइम है? बहुत नकरीला है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन एक स्टूडेंट की तरह है जो अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है, जैसे आप, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि आपको कैसा होना है एग्जाम में, कैसा होना है? फास्ट एंड एक्यूरेट। आई ऑलवेज टेल दिस, यू हैव टू गिव आंसर्स विद स्पीड बट विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फास्ट हो, सारा पेपर एक घंटे में सॉल्व हो, पता पड़ा सब गलत। ना ऐसा कि पता पड़ा धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं पर पता पड़ा आधा ही पेपर सॉल्व कर पाए 3 घंटे में। तो हमें फास्ट भी होना है और हमें एक्यूरेट भी होना है। इसी तरह से इस एंजाइम को भी फास्ट भी होना है और एक्यूरेट भी होना है। आपको पता है कितना फास्ट है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड में ये 2000 बेस पेयर ऐड कर देता है। 2000 बेस पेयर, इतना फास्ट एंजाइम है, इतना फास्ट। एक्यूरेट होने की क्यों ज़रूरत है? आपको एक्यूरेट होने की क्यों ज़रूरत है? ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो, रॉन्ग ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग सिलेक्शन या रैंक पीछे करवा देती है। इसे एक्यूरेट होने की क्यों ज़रूरत है? अगर इसने एक भी बेस इधर की उधर लगा दी तो म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन, हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उससे डिजीजेज हो सकती हैं। भाई सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? यही तो होता है, हमने पढ़ा है। एक जरा सा वो GAG GUG एक बेस का ही तो लफड़ा होता है, और एक AT मतलब एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ही तो होता है, और कितनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि डेथ तक हो जाती है इंसान की। तो इट हैज़ टू बी फास्ट बट इट हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट, अदरवाइज म्यूटेशंस हो जाएंगे और म्यूटेशंस बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो बिल्कुल, आप जब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को याद करें तो एक स्टूडेंट को याद करें, अपने आप को याद करें, मेरे वर्ड्स को याद करें। स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। ई कोलाई में जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, 4.6×10⁶ बेस पेयर हैं, तो 38 मिनट्स में इसका डीएनए पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर जाता है। मैंने कहा ई कोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, और मैं कह रही हूँ डीएनए डबल 38 मिनट्स में होता है। ये क्या कहानी है, ये आगे समझेंगे अब। हालांकि सिर्फ यही नहीं, इसे और भी एंजाइम्स हेल्प करते हैं। हम पढ़ेंगे कई सारे जो इसके फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं बताऊंगी ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये सब कौन से एंजाइम्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। प्राइमेज, लाइगेज, हेलिकेज, बहुत सारे दोस्त हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में। देखो एक बात समझो, जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, सपोज इस पार्ट में पूरा बहुत लंबा डीएनए है, पर इस पार्ट में सपोज करो रेप्लिकेशन होना है ना, इसकी कॉपी अभी बननी है, पार्ट्स में होता है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की कहीं से भी कॉपी बनना शुरू हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। वहाँ कुछ ऐसे बेस सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जहाँ से हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन कॉपी स्टार्ट होगा, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लो ये वो साइट है तो इसे ओराई कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें सिंगल ओराई साइट होती है, एक ही होती है प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ और सिर्फ वहीं से डीएनए की डबलिंग की शुरुआत हो सकती है। पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए है और उनमें मल्टीपल ओराई होती है, तो अलग अलग जगह से डीएनए की कॉपिंग स्टार्ट हो सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन से, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं तो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल को वेक्टर की तरह काम करना है तो उसमें ओराई होना ज़रूरी है।
मैं इसकी डिटेल्स बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, आप जानते हैं, ताकि जब हम अपना डिज़ायर जीन वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, तो वेक्टर में अगर उराई होगा तो वेक्टर अपना डीएनए डबल करेगा, तो साथ में हमारा फॉरेन जीन भी डबल हो जाएगा, कॉपीज बनाएगा। मैं इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी की लाइन है, इस चैप्टर में लिखी है, पर इसे हम बायोटेक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इतना समझ आया? तो हर डीएनए में प्रोकैरियोट में वन और यूकैरियोट में मोर देन वन ओराई है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, वहीं से डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होगी। अब कैसे स्टार्ट होगी, पहले एक बात समझो। देखो वन सेकेंड, मैं यहाँ समझाती हूँ। अगर डीएनए बनाना है, पेरेंट स्ट्रैंड दोनों को अलग करना पड़ेगा और उस पर न्यू स्ट्रैंड बनाना है। न्यू स्ट्रैंड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मेरी बात समझना, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये मान लो एक कोई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये अब आप जानते हो ये फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, ऐसे लगा देती हूँ, फर्स्ट कार्बन पर बेस लगी है, ये थर्ड है, इसका OH फ्री है, और ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये T वाली है मान लीजिए, इस पर भी फॉस्फेट लगा है, ठीक है, इसे मैं क्या नाम दे सकती हूँ समझना। इसे मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ, ये सपोज बेस है, सॉरी शुगर है, और फर्स्ट कार्बन पर मान लो एडीनाइन बेस है, तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ बताओ? अब तो पढ़ चुके हो, बताओ, बेस प्लस शुगर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, यानी एडीनोसिन कह सकती हूँ, या ग्वानोसिन, या साइटिडिन, या थाइमिडिन, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे बेस कौन सी है। और जैसे ही इस पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ेगा, मैं इसे क्या कह देती हूँ? एडेनिलिक एसिड। पर क्या मैं इसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा है, ऐसे ही साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मैं पर्टिकुलरली डीएनए की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली, तो डीएनए में एडिनोसिन ना कहकर डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक लिख देती हूँ मैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये बेस प्लस शुगर है, बेस प्लस शुगर है, राइट, और यहां मैं लिख देती हूं मोनोफॉस्फेट। आप कंफ्यूज मत होना, ये एडेनिलिक एसिड ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया है, मोनोफॉस्फेट। इतना समझ में आया? हमें इन्हें ही तो जोड़ना है आपस में, हमें इन्हें ही तो जोड़ना है आपस में। तो जहां भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन होना है, वहां पर जो वो जो पूरी सराउंडिंग है, उस पर इस तरह की न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए, तभी तो डीएनए पॉलीमरेज इन्हें चुन चुन के लाएगा और पेरेंट में चेक करेगा कि अच्छा यहाँ पर थाइमिन जुड़ी है, तो चलो मैं एडेनाइन वाली लेकर आता हूँ ये, और इसको जोड़ूंगा, फिर यहाँ पर एडेनाइन है तो अब मैं थाइमिन वाली लेकर इसके साथ बॉन्ड बनवा देता हूँ। तो डीएनए पॉलीमरेज तो बेचारा इन्हें चुन चुन के ला रहा है और जोड़ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, पर ये होनी तो चाहिए ना। अब समझो बॉन्ड कैसे बनाएगा, दो के बीच में बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे लाएगा? ये तो पढ़ी है खूब सारी, डीऑक्सी एडिनोसिन ग्वानोसिन साइटिडिन थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट पड़ी हुई है, बॉन्डिंग कैसे करेगा इसकी नेक्स्ट वाले के साथ? एनर्जी चाहिए, कैसे आएगी एनर्जी? समझो एटीपी का स्ट्रक्चर मैं 11th क्लास बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुकी हूँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी में ट्राईफॉस्फेट ऐसी होती है, एडिनोसिन डीऑक्सी नहीं होती, वहाँ राइबोस शुगर होती है आरएनए वाली, तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट होते हैं, और जब तीन फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं तो जो दो फॉस्फेट है उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी वाला बॉन्ड होता है। समझो क्या होगा, जैसे ये वही हमारी शुगर है, इस केस में डीऑक्सी राइबोज है, ये एडेनाइन जुड़ गई तो ये एडेनोसिन बन गया, ये फॉस्फेट जुड़ गया तो ये मोनोफॉस्फेट बन गई। अब इसके साथ अगर मैं दो फॉस्फेट और जोड़ दूँ, ये और जोड़ दिया, तो मैं इसे क्या कह सकती हूं? अब डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, अब टोटल थ्री फॉस्फेट्स हो गए ट्राईफॉस्फेट। तो यहां हमने क्या किया है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में, मैंने दो फॉस्फेट्स और लगा दिया। आप कहोगे मैम क्या फायदा है इसका? देखो समझो, एक तो मुझे फॉस्फेट जोड़ना है, तो मुझे एंजाइम लगा फॉस्फोराइलेस,
ये मुझे चाहिएगा तभी पॉसिबल है। दूसरा, इसमें ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये और ये एक्चुअली ये फॉस्फेट्स हैं, ये एक दूसरे से रिपेल करती हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, दूर भागती है, तो हम इन्हें खींच के लाते हैं। जब इन्हें खींच के लाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है, तो इन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसीलिए इन्हें हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। मैं ATP के टाइम भी पढ़ाती हूँ, या इन्हें पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर एनर्जी इकट्ठी होके स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी भी तो चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी ना, क्योंकि मैं इसमें दो फॉस्फेट और जोड़ने वाली हूँ, तो उन्हें जोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी भी चाहिए, प्लस मुझे दो फॉस्फेट भी तो चाहिए ऑफकोर्स, तो मुझे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए। तो अगर मुझे टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिल जाए, अगर मुझे एनर्जी मिल जाए और अगर मुझे एंजाइम मिल जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस मोनोफॉस्फेट को ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और इन दोनों बॉन्ड्स में खूब अच्छे से एनर्जी स्टोर्ड है। यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, यानी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों अभी बताती हूँ। तो एक्चुअली एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मस्ट है, इसकी ट्रिक है डीप, डीप से याद रख सकते हो, या दीप, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, सॉरी फॉस्फेट्स चाहिए इनऑर्गेनिक, एंजाइम चाहिए फॉस्फोराइलेज, एनर्जी चाहिए, और ये भी तो चाहिए, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। इससे हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा समझो, अब एक्चुअली ये खूब सारी पड़ी है, मान लो मुझे इसके नीचे DTTP लगानी है, थाइमिडीन वाली ऐड करनी है नीचे, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके फॉस्फेट को इसके थर्ड OH के साथ बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जैसे ही वो यहाँ आएगा, ये वाले दोनों, ये वाले जो दोनों फॉस्फेट्स हैं ये टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को यूज़ कर ये बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने ट्राई फॉस्फेट को फिर से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो दो फॉस्फेट निकले वो फिर यूज़ होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करने के लिए, पर वो जो एनर्जी निकली इनके टूटने से, क्योंकि इनके बॉन्ड बने थे एनर्जी के कारण, इसके अंदर एनर्जी बंद है, ये जब टूटेंगे, बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को यूज़ कर ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम आएगा, एनर्जी चाहिए और टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स चाहिए, उसकी हेल्प से हम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। टू ये चाहिए, प्लस एनर्जी चाहिए, प्लस फॉस्फोराइलेज एंजाइम चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जिन्हें हम एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स में कन्वर्ट होके रहती है। इतना समझ आया, यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये दो काम कर रहा है, एक तो ये खुद सबस्ट्रेट है, यही जुड़ेंगी, ए से टी जुड़ी, टी से सी जुड़ी, और दूसरा इनमें क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स हैं जिसमें एनर्जी है, वो एनर्जी से ही कारण ही बॉन्ड बन रहा है। तो ये डायरेक्ट NCERT की लाइन है कि जो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस बेस, और उस पर टोटल 3 फॉस्फेट्स जुड़े हैं, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट के दो काम हैं, एक तो ये खुद सबस्ट्रेट है, यही जुड़ेंगी एक दूसरे से, और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि पॉलीमराइजेशन हो सके, यानी कि 3-5 फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स फॉर्म हो सके। इज इट क्लियर, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए एनर्जी भी यही ट्राईफॉस्फेट्स देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ NCERT, अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं काम करती हूँ, मैं इतना रब कर देती हूँ, एंड दिस इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ इट हैपन्स। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में कि एक ओराई होना ज़रूरी है, तभी वो DNA का रेप्लिकेशन होगा, और सेकेंड हमें जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उन्हें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करके रखना है, ताकि बॉन्ड बनाने के लिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए हमें एनर्जी मिल सके। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो जो DNA हेलिक्स है उसे खोलना है, क्योंकि हमें दोनों पेरेंट स्ट्रैंड को
दूर करना है एक दूसरे से, उसमें काम आते हैं टोटल 3 एंजाइम्स, पर मेन एंजाइम्स है हेलिकेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटीन तोड़े तो प्रोटीएज, लिपिड तोड़े तो लाइपेज, हेलिक्स को तोड़ेगा तो हेलिकेज। कैसे तोड़ेगा ये देखो, समझो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सपोज करिएगा कि ये डीएनए है, पेरेंट डीएनए, ठीक है, ये एक है 5 to 3 prime, तो ये हो जाएगा 3 to 5 prime, और ये ऑफकोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज, वो क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, जितने भी पार्ट में अभी स्टार्ट हुआ है रेप्लिकेशन, क्योंकि पार्ट्स में होता है, तो ये एंजाइम ऐसे आता जाएगा और इनको दूर करता जाएगा, तो सिचुएशन क्या बनेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, ये अलग हो गए, ये इसकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इसकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सपोज 5 to 3 है तो ये 3 to 5 है, ये हेलिकेज कर रहा है ये काम, ये रहा हेलिकेज, दिस इज हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हेलिकेज ने यहां से आना शुरू करा, जैसे जैसे हेलिकेज आगे आता जाएगा, बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा, कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा ये काम होता जाएगा। पर एक रिस्क भी तो है, रिस्क क्या होगा ही, क्या होगा भाई, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जैसे ही हेलिकेज महाराज आगे बढ़े, ये तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना तो बड़ा आसान होता है, बायोटेक में भी बताया है, तो हमें इन्हें आपस में जुड़ने से रोकना है, तभी तो हम यहाँ पर अपने न्यू स्ट्रैंड्स बनाएंगे, तभी तो कॉपी बनेगी। तो यहाँ मदद करता है एक छोटा सा प्रोटीन एंजाइम, जिसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करता है, ये अब एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, वो इस पे जुड़ जाता है, ऐसा प्रोटीन होता है 4 यानी टेट्रामर के फॉर्म में ये जुड़ गए। तो जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता है, सिंगल स्ट्रैंड्स क्रिएट होते हैं, वहाँ वहाँ पर ये SSPV जुड़ते जाते हैं, ताकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये वापस कहीं ना जुड़ जाएं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, हम जानते हैं, तो कहीं ये वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना बना लें, तो सिंगल स्ट्रैंड पे जुड़ता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंड करता है प्रोटीन, एंजाइम ही है, प्रोटीन्स एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं। तो हेलिकेज का तो मेन काम है हेलिक्स को ओपन करना, यानी कि पेरेंट स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मदद कर रहा है SSPV। अब एक बात समझो, जैसे जैसे ये ऐसा तोड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन गया ना, देखो कांटे जैसा, वाई शेप्ड जैसा, इसे कहते हैं, ये जो बना ऐसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क बन रही है, कांटा, रेप्लिकेशन का कांटा बन रहा है फोर्क, और वो भी वाई शेप्ड, क्वेश्चन आता है वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म होता है। अब समझो क्या होता है, आज ना 2 तार लेना, ठीक है, उनको ऐसे घुमाना, हेलिक्स बन गया, अब नीचे से खोलना शुरू करना, वो हेलिक्स हेलिकेज जा रहा है, ये खुलता जा रहा है, पीछे SSPV जुड़ते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब ये गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, अटक जाएंगे, आप खोल ही नहीं पाओगे आगे, टेंशन क्रिएट हो गया, ये जो अनकॉइल कर रहे हो इस कारण यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो गया, यहाँ क्या करें, अब हेलिकेज तो आगे काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एक दूसरे में उलझ गए। वहाँ पर एक एंजाइम आके लगता है टोपोआइसोमेरेज, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में DNA गायरेज होता है, ये है हमारा 3rd एंजाइम जो हमारी मदद करेगा, टोपोआइसोमेरेज, ये टोपी की तरह लग रहा है देखो टॉप पे, क्योंकि टॉप पे टेंशन क्रिएट हो गया, हेलिकेज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये टोपी की तरह आएगा, तो टोपोआइसोमेरेज, और ये क्या करता है, यहाँ हल्का सा कट देगा निक, ताकि टेंशन रिलीज हो जाए, हेलिकेज फिर आगे बढ़ जाएगा और उस कट को ये सील भी कर देगा। DNA गायरेज करता है सेम काम प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज, यानी अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, पहला मेन हेलिकेज, दूसरा जो रिकॉइलिंग बचा रहा है, दोबारा से कहीं रिकॉइलिंग ना हो जाए SSPV, और जो सुपर कॉइलिंग के कारण टेंशन को रिलीज कर रहा है टोपोआइसोमेरेज इन यूकैरियोट्स एंड गायरेज इन
प्रोकैरियोट्स। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? अभी हम एक ट्रिक से सब एंजाइम्स के नाम लिखेंगे, बट पहले थ्योरी को समझो। सो हेलिकेज क्या करता है? फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेपरेट्स टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। नंबर टू क्वेश्चन, कैसे? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नंबर थ्री, इससे क्या क्रिएट होता है? रेप्लिकेशन फोर। नंबर फोर, कैसे शेप का होता है? वाई शेप्ड। नाउ नंबर फाइव, SSPB कहाँ जुड़ता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। कैसा होता है? टेट्रामर की तरह होता है। क्या करता है? वापस दोनों स्ट्रैंड्स कहीं ज्वाइन ना हो जाए, यानी रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है। यानी ये क्या कर रहा है? ये इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबिलिटी दे रहा है, इन्हें स्टेबल बना रहा है। अपनी अपनी जगह रहो, वापस से कहीं डबल स्ट्रैंडेड ना बन जाओ। नाउ ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये पूरा डीएनए था। यहाँ से हेलिकेज ने काम करना शुरू करा, हेलिकेज काम करता जा रहा है, पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग होते जा रहे हैं। अभी सिर्फ उस पर फोकस करो, ये आगे बढ़ता जाएगा। और पीछे ये देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ते जा रहे हैं। ये देखो, रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, पूरा कांटे जैसा, वाई शेप जैसा। पर ये जब ऐसा आएगा तो यहाँ एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोपी जैसा टोपो आइसोमेरेज जुड़ जाएगा। फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी, फिर ये यहाँ गया मान लो, तो पीछे SSPB जुड़ते जा रहे हैं, ये इसको और खोलता जा रहा है। फिर यहाँ पर कॉइलिंग के कारण टेंशन क्रिएट हो जाएगी, गांठ जैसी बन जाएगी, फिर वहाँ टोपो आइसोमेरेज आके लग जाएगा। क्या ब्यूटीफुली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। सो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है? जो टेंशन क्रिएट हो गया है सुपर कॉइलिंग के कारण, उस पर एक कट लगाएगा, निक लगाएगा, टेंशन रिलीज करेगा ताकि हेलिकेज आगे जा सके, और उसे वापस रीसील भी करता है। सेम फंक्शन इज परफॉर्म बाई डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स। इज इट वेरी क्लियर? इतना समझ आया? इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।